गुरु खालसा जी जिन्हों गायत्री भी गाँवी है, गुरु का खालसा उस सर्वलो भगवान का पुजारी है। महाराज साहब जी ने एक खास मंत्र लिखा है, अकाल पुरख की रक्षा हमने, सर्वलो की रक्षा हमने, सर्वकाल जी की रक्षा हमने, सर्वलो जी की सदा रक्षा हमने। जो महाराज कलगीधर पातशाह जी आनंदगढ़ के किले विराजमान सन, पहाड़िया ने महाराज साहब जी के किले घेरेबंदी करके किलेबंदी करके उन्होंने घेरा कत्या सी। कई सिंह ने महाराज को हाथ जोड़ के कहा, महाराज दूजे पास से फौजा बड़िया ने, जंग किवें करांगे? ते महाराज कलगीधर जी ने तीर के धनक के चिले उपर तीर रख करके ये शब्द पढ़िया, चार तुखा पढ़िया, ते नीले बाणिया वाली गैबी फौजा गुरु खालसा जी आसमान विच आ गई। महाराज कहन लगे, एक ही मंत्र पढ़ना है, सर्वलो भगवान दिया फौजा आसमान विच आ के जंग कर लिया। महाराज कलगीधर पातशाह ने भविख्यत वाक लिखा है, महाराज कहते खालसे ने जंगा बड़िया कर लिया ने, हुण खालसे नू जंग करन दी लोड़ नहीं, ना आप लड़ू ना फौज लड़ाऊ, पट बीरन सेती बांध मंगाऊ, ना हुण आप लड़ना है ते ना खालसे ने लड़ना है, हुण सर्वलो भगवान दियां गैबी फौजा ने ये दुश्मना नू फड़ फड़ के मारना है। ऐसे भी वाक गुरु खालसा जी सौ साखियां दे विच लिखे मिलते ने। जो महाराज साहब जी ने बंदे बहादुर नू तोरिया, महाराज साहब जी ने पांच तीर दिते, कह लगे आ लो पांच तीर ते पंजा तीरां दे नाल जाके सरहंद फते करो, दिल्ली दे तख्त उपर जाके खालसे का डंका बजाओ, पंजाब दे विच गुरु के खालसे दे जय जयकार दे नारे लगाओ। तां बंदे बहादुर दे मन विच शंका जिहा आ गया, लघु शंका आई, हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज सच्चे पातशाह इन्हां पंजां तीरां दे नाल जंग किवें बदे होवेगा? महाराज साहब जी कहन लगे, इन्हूं तीर ना जानी, ये अमोघ बाण ने, तनक दे चिल्ले उपर एक तीर रखेगा ना, तो शब्द पढ़ी अकाल पुरख की रक्षा हमने, सर्वलो की रक्षा हमने, सर्वकाल जी की रक्षा हमने, सर्वलो जी की सदा रक्षा हमने, गैबी फौजा आसमान दे विच आ जाणगियां, आ करके जंग आपे ही बदे कर देणगियां। गुरु खालसा जी जदों भी फौजा का जोर वधदा रहा, बंदा सिंह जी बहादुर का इतिहास पढ़ के वेखो, उन्हें तीर चलाया नहीं, धनक दे चिल्ले उपर ही तीर रख के शब्द पढ़िया, गैबी फौजा ने शहीदी फौजा ने गुरु खालसा जी नीलिया बाणिया वालिया ने तुरकां दी आके जड़ां पुट दित्तियां, मलिया बेड कर दिता, गुरु के खालसे दे सामने सफाए कर दिते। ए गुरु खालसा जी ए मंत्र दी ताकत है। बाबा हजूरा सिंह जी जिन्हां ने तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब विखे बड़ा लम्मा समा सिखी का प्रचार ते प्रसार किया, उन्हां दे बहनोई गुरु खालसा जी बैदराज मान सिंह जी हुए ने, उन्होंने सर्वलो ग्रंथ के विचों कुछ क बाणिया एकत्रित करके बाबा हजूरा सिंह जी के ख्याल मुताबक उन्होंने आग्ञा मुताबक उन्होंने गुरु खालसा जी राय लै करके एक संग्रह किया, जो दास नू गुरु खालसा जी प्राप्त होया हैदराबाद। उहदे विच मैं पढ़िया सी, उहदे विच लिखिया सी खास मंत्र कलगीधर जी का, अकाल पुरख की रक्षा हमने, सर्वलो की रक्षा हमने, सर्वकाल जी की रक्षा हमने, सर्वलो जी की सदा रक्षा हमने। महाराज कलगीधर पातशाह जी यही मंत्र पढ़ते सन, यही मंत्र जपते सन, यही मंत्र अपने खास प्यारियां नूं कहंदे सी, जपो, जंग के मैदान में जिहड़े तुरक ने वो तुहाडे उपर भारी नहीं होणगे। गुरु खालसा जी जदों महाराज कलगीधर पातशाह जी ने पंजां प्यारियां नूं अमृत छकाया, तो
उस वक्त गुरु खालसा जी पांच सिख होर उठे जिन्हों के नाम इतिहास में आते हैं देवा सिंह टहर सिंह राम सिंह फतेह सिंह इत्यादि गुरु खालसा जी पांच सिख होए। इन्होंने हाथ जोड़ के कहा महाराज असी भुल गए असी तुहाड़ी शमशीर देख करके नंगी तलवार देख करके तुहाड़े हाथ विच डर गए महाराज साढ़े सिर भी लै लो सिरां दे बदले सानू भी अमृत दे दिओ। महाराज सच्चे पातशाह कहन लगे हुण सिरां दी लोड़ कोई नहीं है अमृत उदां ही मिलेगा। महाराज ने पंजां प्यारियां तों बाद इन्हां पंजां गुरु क्या सिखां दी झोली विच अमृत पाया। गुरु खालसा साध संगत जी सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इन्हां नूं पंज वीर पंज मुगते कह करके नवाजिया। कई ग्रंथां विच इन्हां नूं पंज वीर लिखिया है कई ग्रंथां विच गुरु खालसा जी इन्हां नूं पंज मुगते लिखिया है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने नवाजिया इन्हां नूं कहा भी हुण तुसीं ना बिभौर साहब चले जाओ उत्थे जा करके इस मंत्र का अभ्यास करो ते गुरु के खालसे की रहनी लिखो। इन्हां गुरु खालसा जी पंजां वीरां ने महाराज के घर की रहनी लिखी गुरु ग्रंथ साहब जी दीआं तुकां की गवाही दे करके। प्यारा सिंह जी पदम ने रहतनामिआं विच इन्हां गुरसिखां का लिखिया रहतनामा दर्ज किया है। ये गुरु खालसा जी ये शब्द जपते जपते फिर पावन रूप हो गए। महाराज ने इन्हां नूं वरदान दिता कि तुसी शहीदी फौजां दे सरदार हो। जिहड़ा ये शब्द पढ़ के अकाल पुरख की रक्षा हमने सर्वलोह की रक्षा हमने सर्वकाल जी की रक्षा हमने सर्वलोह जी की सदा रक्षा हमने ये शब्द पढ़ के ते तुहाडे नाम लैके शहीदां सिंघां अगे अरदास करेगा शहीद सिंह हाजिर होके उहदा हरेक मोर्चा फतेह करनगे उहदे सामने आके प्रगट हो जाणगे। गुरु खालसा जी पुराने गुरु के सिंह अकाल पुरख की रक्षा हमने सर्वलोह की रक्षा हमने सर्वकाल जी की रक्षा हमने सर्वलोह जी की सदा रक्षा हमने देवा सिंह पुन राम सिंह टहल सिंह मत धीर ईश्वर सिंह यार फतेह सिंह ए पांचो मुगते बरबीर ए पढ़ के नाल अरदास कर दे। गुरु खालसा जी शहीदी सिंघां दी बड़ी कृपा हुंदी आ करके वह मोर्चे फतेह कर देंदे सन। सो गुरु का खालसा ते धन है जिन्हों गायत्री भी गाँवी है उस सरबलो के पुजारी महाराज ने गुरु के